यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सीडीपी का एक थ्योरी सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, या फिर हम लोग ये बोले कि एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन जो है अभी तक आपके एग्जाम में अकेले Grade 2 के पेपर में इससे पूछे गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे, वो एक साथ आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एरिक एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। एरिक एरिक्सन कौन है, क्यों ये इतने ज्यादा फेमस है? सबसे पहले एरिक एरिक्सन, और इनका पूरा नाम है एरिक होमबर्ग एरिक्सन, एक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक तथा साथ ही ये मनोविश्लेषक भी हैं। इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ है, और ये अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक से इनके बारे में जानकारी हो गई। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के थे, तो इस तरीके से आप बेसिक आइडिया आपके पास रहेगा। और ये के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये हमारे एरिक एरिक्सन की है। मोस्टली इनके द्वारा जो 8 पद दिए गए हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने जो 8 चरण दिए हैं, 8 स्टेप जो इनके द्वारा दी गई है जीवन को लेकर, वो बताइए। पहली स्टेप क्या होती है, दूसरी क्या होती है? तो इसलिए हमें 8 स्टेप के बारे में यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। एक बेसिक सा आइडिया आप यहाँ पर ले सकते हैं, बाकी इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, अप्रोक्सीमेट एज यहाँ पर बताई गई है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस या फिर टास्क यहाँ पर बताए गए हैं, और वर्चुअल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेंट, जो बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर 18 महीने तक चलती है। दूसरी 18 महीने से 3 साल तक चलती है, जिसे पहली जो स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोला जाता है। अभी पूरा हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे इसको। 18 महीने से 3 साल तक लेकर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट चलता है। 3 से 5 साल तक इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट चलता है। 5 से 13 साल की बात करें, जहां पर बच्चा बाल्यावस्था में रहेगा, इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फोर्शिटी यहाँ पर चलता है। 13 से 21 वर्ष की अब बात करेंगे, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन यहाँ पर चलता है। 21 से 39 वर्ष जब व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश कर जाता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन चलता है, यानी कि आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था चलती है। 40 से 65 में जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन यहाँ पर चलता है, यानी कि उत्पादकता बनाम स्थिरता। और 65+ जो चलता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर चलता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं संपूर्णता बनाम निराशा चलती है। अभी हम लोग इसको हिंदी में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेन टास्क आज का ये है कि आपको ये 8 स्टेज वन बाय वन करके याद हो जानी चाहिए। देखो, सबसे पहली स्टेज आप यहाँ पर एज के वाइज एक देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेज में, इन्फेंट स्टेज में है। ठीक है, जो कि 0 से 18 महीने तक चलेगी, या फिर 2 साल भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 18 महीने या 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चा दिखाता है विश्वास अपने माता पिता के प्रति, और दूसरों के प्रति वो अविश्वास शो करता है, यानी किसे बोला जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कुछ यूं पूछा गया है कि एरिक किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीवन हमेशा 2 अवस्थाओं में चलता रहता है, या तो ये चीज होगी और ये नहीं होने पर दूसरी होती है। तो इस प्रकार से फिर आपका आंसर वहां पर एरिक एरिक्सन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर एक स्टेज के 2 भाग बताए। यदि आप इस स्टेज से नहीं गुजरते हैं, तो आप दूसरी स्टेज में को फेस करेंगे। यदि आप ऑटोनॉमस नहीं है, तो आप शेम और डाउट का शिकार हो सकते हैं। इस तरीके से जो बात बताई गई है, वो एरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या हो गई, इसमें सबसे पहली चीज होगी, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने माता पिता के प्रति ट्रस्ट दिखाता है, और जो अननोन लोग होते हैं जिन्हें वो नहीं जानता है, उनके प्रति अविश्वास दिखाता है। इसे बोला जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था। यदि अब हम लोग बात करें दूसरी स्टेज की, दूसरी स्टेज होती है हमारी स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था। स्वायत्तता मतलब होता है ऑटोनॉमस होना, और शेम यानी कि शर्म और डाउट की अवस्था। यहाँ पर बच्चा जब स्वतंत्र, उसको ऐसा फील होता है लाइक वो ऑटोनॉमस है, यहाँ पर स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन जब उसके माता पिता उसे रोकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे खुद पर डाउट होता है, क्या वो इस कार्य को नहीं कर सकता है, और शेम यानी कि शर्म की भावना का बच्चा यहाँ पर शिकार हो जाता है। तो इसे बोला जाता है स्वायत्तता बनाम शर्म की भावना, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेज शेम और डाउट। ठीक है, ये कब होता है, जब बच्चा जस्ट इन्फेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, तब उसके सामने ये वाली स्टेज आती है। तीसरी स्टेज की हम लोग यदि बात करें, तो पहल बनाम अपराध बोध। अब देखो, बच्चा क्या करेगा, जब वो स्कूल में स्टार्टिंग में एंटर होगा, तो वो किसी भी कार्य को करने की यहाँ पर क्या करता है, पहल करता है, कोशिश करता है।
मतलब स्टार्टिंग एक इनिशियल लेता है किसी भी कार्य को करने का, लेकिन जब वो उस कार्य को नहीं कर पाता है तो वो आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है, या फिर उस गिल्ट का वो शिकार हो जाता है कि वो इस कार्य को या वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया और खुद को कमजोर वीक यहाँ पर समझने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक 3 स्टेप? क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करेंगे, उन सारे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि दूसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी क्या होती है, ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर व्यक्ति जो है परिश्रम उद्यम करता है, तो फिर आपको ये सारी स्टेजेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना डीप में जाकर इन चीजों को सीख रहे हैं ताकि क्वेश्चन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली हमने सीख ली बच्चा ट्रस्ट दिखाएगा, दूसरे में क्या होता है बच्चा खुद को स्वतंत्र मानता है कि वो हर एक टास्क को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। पहल, बच्चा यहाँ पर किसी भी कार्य को करने की शुरुआत करता है और उस कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण वो गिल्ट का शिकार हो जाता है, एक आपराधिक बोध का शिकार उसके अंदर आ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, फोर्थ स्टेज में बच्चे में थोड़ी बहुत समझ यहाँ पर विकसित हो जाती है क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज आ चुकी है। चाइल्डहुड स्टेज में आपको पता होगा बच्चे ना पढ़ाई को लेकर या पर्टिकुलर किसी भी टास्क को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। मान लो उनको एक टास्क दिया गया कि आपको इस टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर आने हैं, तो वो बहुत मेहनत करेगा और 10 में से 10 नंबर लाने के लिए, और यदि वो 5 लेकर आता है 4 लेकर आता है तो उसको ऐसा फील होता है मतलब कि उसने बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया या फिर वो कुछ भी करने लायक नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति बच्चे के अंदर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आती है। इंडस्ट्रियस मतलब कि बच्चा ना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मेहनती होता है, उद्यमी होता है, परिश्रमी होता है, लेकिन जब वो परिश्रम करते हुए भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो वो हीन भावना का यहाँ पर शिकार हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, परिश्रम कब करता है बच्चा, अपने चाइल्डहुड स्टेज में। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा ग्रीडी टाइप हो जाता है, लालची टाइप हो जाता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि अच्छे से अच्छे नंबर लाए, सब उसका सम्मान करे, सब उसके लिए तालियां बजाए, क्लैपिंग करे, या फिर उसको ट्रॉफी मिले, टीचर उसको चॉकलेट दे, इस तरीके से उसके मन में थोड़ा सा लालच यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी चाइल्डहुड स्टेज खत्म होती है, ये आप यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी चाइल्डहुड स्टेज जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब आती है किशोरावस्था या फिर एडोलसेंस स्टेज। अब एडोलसेंस स्टेज के अंदर क्या होता है, एडोलसेंस में बच्चा जो है जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है वो चाहता है कि समाज में उसकी क्या बने, पहचान बने, राइट? तो वो समाज के लिए क्या करेगा, उसमें अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वो एक रोल कंफ्यूजन में चला जाता है या फिर वो उस भ्रांति का शिकार हो जाता है कि अब उसकी पहचान इन फ्यूचर कभी भी नहीं बन पाएगी। ये सारी क्रियाएं कब होती है, ये सारी प्रक्रिया जो होती है किशोरावस्था में होती है, जब बच्चा समाज के लोगों से जुड़ना चाहता है, समाज के कार्य करना चाहता है और बदले में ये चाहता है कि समाज उसको पहचाने, समाज उसको जाने कि वो कौन है, क्या है, इस तरीके से। ठीक है, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर आती है हमारी आत्मीयता बनाम अलगाव की भावना, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आत्मीयता बनाम अलगाव में क्या होगा, जैसे ही बच्चा जो है किशोरावस्था को क्रॉस करता है वो युवावस्था में प्रवेश करेगा। ठीक है, युवावस्था में प्रवेश करते से ही क्या होगा, आत्मीयता, उसके अंदर एक आत्मीयता की भावना आएगी, इंटीमेसी होगा, मतलब कि वो अब एक फिक्स्ड स्टेज में आ जाए, उसके रिलेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली सब कुछ परमानेंट हो, ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ तक जो होता है किशोरावस्था बाल्यावस्था तक बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड सर्कल जो होते हैं, जैसे कि बच्चों का जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं हर साल या फिर कुछ महीनों में, बच्चों के फ्रेंड ग्रुप यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति युवावस्था में आता है तो वो चाहता है कि उसके फ्रेंड्स परमानेंट हो, उसकी फैमिली अच्छे से सेटल हो जाए, ठीक है, शादी वगैरह हो जाए, इस तरीके से वो पूरा सेटल होने की कोशिश करता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो आइसोलेट हो जाता है या फिर वो अलगाव की भावना का शिकार हो जाता है, फिर वो बिल्कुल नहीं बदल पाएगा। आगे जितने भी स्टेज बनी है वो सेम ही स्टेज में रहेगा, वो किसी से बातचीत नहीं करेगा, खुद अपनी लाइफ से यहाँ आकर सेटिस्फाई भी नहीं होगा, फिर वो निराशा का ही शिकार रहेगा। ठीक है, तो युवावस्था में व्यक्ति क्या सोचता है, एक तरीके से सेटल होना सोचता है। फिर यहाँ पर बात करें इसके आगे की, जो हमारी स्टेज होती है वो होती है उत्पादकता बनाम स्थिरता की, यानी कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की। यहाँ पर वो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है कि उसे आगे क्या करना है, अपने यदि बच्चे हैं तो उनको सेटल करने की कोशिश करेगा कि वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाए, और यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है
वो स्थिरता, यानी कि उसके अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक स्थिरता आ जाती है कि, और उसको इस चीज का वो रहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को सेटल करना है, और नहीं कर पाता है तो वो उस कंफ्यूजन में चला जाता है कि वो क्यों नहीं कर पाया ऐसा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेज जो हमारी आ जाती है वृद्धावस्था वाली, 65+ ही होती है, 65 से ऊपर संपूर्णता चलती है बनाम निराशा चलती है। मतलब अगर इस व्यक्ति ने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्टिंग से लेकर, तो वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा, मतलब कि अपने जीवन में सेटिस्फाई है कि अपने जीवन इसने बहुत अच्छे तरीके से जी लिया है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो डिस्पेयर, निराशा का यहाँ पर शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये एरिक एरिक्सन की हमारी 8वीं स्टेज है। आप खुद को यहाँ पर देख सकते हो, खुद को यहाँ पर इमेजिन करके देखो, जब आप शुरुआत में, जब आपका जन्म हुआ था, तब आप सिर्फ अपने माता पिता के ऊपर ट्रस्ट करते थे और बाकी सब पर आप ट्रस्ट नहीं दिखाते थे, आप किसी और के पास नहीं जाते थे, आप खुद को स्वतंत्र मानते थे, खुद को कार्य करने के लिए आप आजादी देते थे, लेकिन माता पिता आपको रोकते टोकते थे क्योंकि आप बहुत छोटे थे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी स्टेज है। फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपने कार्य करना स्टार्ट किया, आप खुद से कपड़े पहनना चाहते थे, आप खुद के कार्य खुद करना चाहते थे, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप गिल्ट का शिकार हुए क्योंकि आपको करने नहीं दिया गया। ठीक है, जब आप थोड़े और बड़े हुए, जब आप स्कूल में एंटर हुए, तो आप चाहते थे कि आपको, आपका जो है, सभी लोग यहाँ पर सम्मान करें, आप बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, और यदि आप वो मेहनत नहीं कर पाते तो फिर आपके साथ क्या हो जाता, आप उस हीन भावना का शिकार हो जाते कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर ये मैं टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं डांस में अच्छा नहीं हूँ, मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैंने अच्छे नंबर वहां पर नहीं लाए। तो ये सारी बाल्यावस्था की बातें होती है। जब आप थोड़े बड़े हुए, जब आप किशोरावस्था में, आज जब आप 13 साल के हुए, तो आपने चाहा कि आपकी पहचान बने, आपके स्कूल का हर एक टीचर, आपके कॉलेज का हर कोई टीचर, हर कोई व्यक्ति आपको पहचाने। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग चले जाते हैं रोल कंफ्यूजन में, पहचान भ्रांति हमारे साथ हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो गए, अब हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम लोग अलगाव की भावना का शिकार हो जाते हैं, हम लोग यहाँ पर आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारी युवावस्था यहाँ से गुजरती है, फिर हम लोग यहाँ पर सोचते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता के बारे में, मतलब कि अब हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है कि उनका क्या करना है, उनको कैसे सेटल करना है, उनका भविष्य हम लोग कैसे सुधारें। ठीक है, यहाँ पर होती उत्पादकता, और नहीं हो पाने पर स्थिरता आ जाती है कि स्टेग्नेशन जीवन में आ जाता है। जब आखिरी स्टेज आती है, जब आप पूरी लाइफ को, अपने पूरी जिंदगी को एनालिसिस करते हो, कि आपने विश्लेषण जब आप करोगे कि आपने कौन कौन सी स्टेज में कैसे कैसे परफॉर्म किया, यदि आप सेटिस्फाई हैं तो आप संपूर्ण हैं, मतलब आपके अंदर एक संपूर्णता आ जाएगी कि हाँ, आप अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और ऐसा नहीं होने पर हम लोग हो जाते हैं निराशा का शिकार। ठीक है, एक होप हमारे मन से चली जाती है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कार्य नहीं किया। ठीक है, तो ये एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस यहाँ पर बताती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन पाते हैं क्या। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखिएगा। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। सबसे पहली बात तो ये कौन सी स्टेज है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली स्टेज तो वो आती है जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माता पिता पर दिखाता है विश्वास, यानी कि दिखाता है अपना ट्रस्ट, और ऐसा नहीं होने पर, और दूसरे जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर वो दिखाता है अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास की भावना, या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो होता है, सबसे पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज यहाँ पर होती है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की भावना, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की भावना, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तो हमसे यही पूछा हुआ है, मतलब कि ये कौन सी स्टेज है, दूसरी स्टेज है। अब हमसे ये पूछा है कि ये जो चरण था, इसमें एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख भूमिका या प्रमुख घटक कौन है, प्रमुख भूमिका अपना इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाएगा। बच्चे का भी जस्ट जन्म हुआ है और दूसरी स्टेज ही चल रही है, तो वो परिवार के अलावा और माता पिता के अलावा किसी और से ज्यादा कनेक्ट होगा नहीं, क्या प्रारंभिक सहायक हो सकते हैं उसके, क्या परिवार होगा, क्या माता पिता होंगे, या फिर शिक्षक और साथी होंगे। तो देखो, कौन होगा यहाँ पर, माता पिता होंगे, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छे तरीके से अभी सिर्फ माता पिता से ही जुड़ा है। पहली स्टेज में वो माता पिता पर ट्रस्ट दिखाता है, ठीक है, और दूसरी में खुद को स्वतंत्र मानने की कोशिश करता है, खुद से कुछ कार्य करने की वो कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर वो चर्म भावना का शिकार हो जाता है, शेम भावना का यहाँ पर शिकार हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कौन प्ले करेंगे, माता पिता। अगर माता पिता बच्चे को
स्वतंत्र नहीं करते हैं या उसको ऐसा ऑटोनॉमस वाला फील नहीं करवाते, तो बच्चा वहां पर शेम भावना का शिकार हो सकता है या फिर शर्म भावना का उसके अंदर, बच्चे के अंदर आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? माता पिता यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहली स्टेज हो गई, पहली स्टेज में भी पेरेंट्स ही रोल प्ले करते हैं। दूसरी स्टेज हो गई स्वायत्ता बनाम शर्म की अवस्था, उसमें भी पेरेंट्स ही रोल प्ले करेंगे। अच्छा, और तीसरी जो होती है पहल बनाम अपराध बोध, उसमें भी पेरेंट्स का ही रोल होता है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीन भावना में बच्चा जब स्कूल में एंटर करेगा तो फिर वो वहां पर देगा कि स्कूल में एंटर करने पर शिक्षक जो है या फिर साथी समूह जो है वहां पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है? कॉग्निटिव थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी या फिर साइको सोशल थ्योरी? तो हम लोग जानते हैं कि एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एरिक्सन के सिद्धांत को साइको सोशल थ्योरी या मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति कितने चरणों से होकर यहाँ पर गुजरता है? अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला चरण था हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा था हमारा स्वायत्ता बनाम चर्म की अवस्था। ठीक है, तीसरी स्टेज क्या थी, रिवाइज करते जाइए, तीसरी स्टेज थी पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था। फोर्थ स्टेज थी हमारी परिश्रम बनाम परिश्रम के साथ क्या होता है, परिश्रम नहीं कर पाता है तो हीन भावना का शिकार हो जाता है। फिफ्थ स्टेज थी पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ठीक है, किशोरावस्था की स्टेज की बात हो रही, पहचान नहीं बना पाया तो वो पहचान रोल कंफ्यूजन में चला जाएगा, एक भ्रांति हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, किशोरावस्था खत्म होती है, युवा अवस्था आती है आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था, ये सिक्स्थ स्टेज हो गई। सेवेंथ स्टेज की यदि हम लोग बात करें तो सेवेंथ स्टेज होती है उत्पादकता बनाम स्थिरता, ठीक है, जिसे स्टेग्नेशन हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। और आठवीं स्टेज क्या होती है, संपूर्णता, संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आठवीं स्टेज होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए। फोर्थ स्टेज क्या होती है, तो परिश्रम बनाम हीन भावना। फिफ्थ क्या होता है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इस तरीके से आपको सारा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति 8 विकासात्मक चरणों से होकर यहाँ पर गुजरता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा अवस्था के दौरान कहा जाता है। क्या बात यहाँ पर की जा रही है, एरिक्सन की बात हो रही है। अब आपको ये बताना है किशोरावस्था के दौरान क्या चीजें होती है, क्योंकि दो ऑप्शन आपके सामने है, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है कॉमा लगाकर। पहचान दे रखा है, मूल विश्वास दे रखा है, पहचान दे रखा है, आत्मीयता दे रखा है, अंतरंगता मतलब इंटीमेसी दे रखा है, और आपको दे रखा है पहचान और मूल विश्वास दे रखा है, ट्रस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, और फिर दे रखा है पहचान। तब किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस स्टेज के अंदर क्या होगा और जो युवा अवस्था है उसके अंदर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो किशोरावस्था हमने देखा था फिफ्थ स्टेज होती है और युवावस्था उसकी अगली वाली स्टेज होती है। तो किशोरावस्था के दौरान कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है अपनी खुद की पहचान, राइट? तो पहचान में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, बच्चा क्या बनाना चाहता होगा, आइडेंटिटी। यहाँ पर ये रहा एक पहचान आपका और ये रहा आपका दूसरा पहचान, उसके अलावा कहीं है क्या पहचान? ठीक है, ये पीछे दे रखा है मतलब ये युवा अवस्था की बात कर रहा है, युवा अवस्था में पहचान नहीं बनाई जाती, किशोर अवस्था में पहचान बनाई जाती है। तो या तो ऑप्शन आपका वन राइट होगा या फिर टू राइट होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, किशोर अवस्था की बात हमने कर ली और युवा अवस्था में जो युवा वयस्क अवस्था होती है वहां पर किस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। जब हमें ये पता है कि पहली स्टेज होती है ट्रस्ट दिखाने वाली, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, जब बच्चा जन्म होता है 0 से 18 महीने की अवस्था, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। व्यक्ति यहाँ पर आत्मीयता बनाने की कोशिश करता है, आइडेंटिटी कब करता है, किशोरावस्था में, पहचान नहीं बना पाने पर क्या होता है,
रोल कंफ्यूजन भ्रांति हो जाती है, किशोरावस्था की बात हो गई, फिर युवावस्था में वो आत्मीयता अपनी फैमिली को देखेगा कि फैमिली को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, खुद सेटल हो जाए इस बारे में वो सोचता है, ठीक है, तो ये आत्मीयता बनाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो अलगाव आइसोलेटेड यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है? एक कंपटीशन वाली भावना बच्चे के अंदर आती है या फिर व्यक्ति के अंदर आती है? ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, बच्चे का जन्म हुआ है, पहली पहली स्टेज है, तो यहाँ पर बच्चे की समझ शक्ति का विकास इतना नहीं होगा कि वो दूसरे बच्चों से या फिर किसी और से कॉम्पीट करे। दूसरा है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। तो देखो यहाँ पर घनिष्ठता बनाम अलगाव की हम लोग बात करें तो ये युवा अवस्था है, युवा अवस्था में वो व्यक्ति लगा रहता है खुद को सेटल करने में, न कि दूसरों से कॉम्पीट करने में। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की भावना कब आती है? सबसे लास्ट स्टेज हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति जो है संपूर्णता को देखता है या फिर अपने खुद के जीवन को देखता है कि मैंने क्या अपने जीवन में अचीव किया और क्या मेरे से करना रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो खुद को ही देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो इसका किसी से कंपैरिजन नहीं चल रहा है। एक ही आंसर आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फोर्सिटी हो जाना। बच्चा परिश्रम क्यों कर रहा है? ताकि उसे क्या मिले, उसे यहाँ पर स्कूल वाले जो लोग हैं या फिर उसका जो स्कूल विद्यालय है वहां से उसकी तारीफ की जाए, उसका सम्मान किया जाए, इसलिए वो परिश्रम करते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप बच्चे को बोल सकते हैं ग्रेड का ग्रीडी हो जाता है या फिर थोड़ा सा लालची हो जाता है, हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश में वो रहता है। ठीक है, तो प्रतियोगिता भावना बच्चे के कब रहती है? चाइल्डहुड स्टेज में रहती है। तो इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फोर्सिटी होना चाइल्डहुड स्टेज की ही बात कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक नव फ्राइडियन जिनके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था, वे क्या है? एक नव फ्राइडियन की यहाँ पर बात हो रही है, देखो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। सिगमंड फ्राइड आप जानते हो, ठीक है, मनोलैंगिक सिद्धांतवाद के जो जनक उन्हें माना जाता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड के जाने के बाद उनकी थ्योरी को स्टडी करना, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के जाने के बाद उनकी थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, फिर उन्होंने जिस तरीके से शब्दों को डिफाइन किया था, उनसे सेटिस्फाई होने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा कौन थे? वैसे कार्ल यूंग भी थे, उन्होंने भी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया या फिर उन्होंने और ज्यादा एनालिसिस इस चीज पर किए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थ्योरी किसकी हुई? एरिक एरिक्सन की हुई। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। एक न्यू फ्राइडियन जिनके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था, वे कौन थे? वे थे हमारे एरिक एरिक्सन। ऐसे कुछ और भी है जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को सपोर्ट करते, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुए या फिर जब सबसे ज्यादा थ्योरी किसकी फेमस हुई बात करें, तो एरिक एरिक्सन की बहुत ज्यादा फेमस थी। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है, मतलब एक लर्निंग के बारे में उनके द्वारा बात नहीं की गई है? थॉर्नडाइक डेफिनेटली लर्निंग को बताते हैं, नियम भी दिए गए हैं। बीएफ स्किनर डेफिनेटली हमारे व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्ट है, लर्निंग अधिगम के बारे में बताते हैं कि अधिगम कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। इवान पावलोव भी एक अधिगम के बारे में बताते हैं, ये भी व्यवहारवादी है, ठीक है, लेकिन एरिक एरिक्सन जो है ये जीवन के बारे में बताते हैं कि आपके जीवन की स्टेजेस किस तरीके से होती है। तो एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांतकार है, न कि एक व्यवहारवादी या फिर अधिगम सिद्धांतकार है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में जितने भी एरिक एरिक्सन से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे यहाँ पर आज के सेशन में आप डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? देखो, देखा था ना हमने कि किशोरावस्था यानी कि जो पांचवी स्टेज होती है वहां पर बच्चा क्या करेगा, जब हम किशोरावस्था में थे, जब हमने देखा कि हम समाज में क्या करना चाह रहे थे, अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे, कोई भी एक सोशल एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग आगे रहकर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जब हम अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग रोल कंफ्यूजन में चले जाते हैं, यानी कि आइडेंटिटी कंफ्यूजन में चले जाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अच्छा, ये वाली स्टेज कब होती है हमारी, जब हम युवावस्था के बाद वाली स्टेज में बात करें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की, हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको सेटल करने के बारे में सोचते हैं, ये सबसे पहली स्टेज हमारी होती है, ये आप बोल सकते हैं सातवीं स्टेज है,
ये आपकी फिफ्थ नंबर की स्टेज है, ये आपकी पहली स्टेज है, और घनिष्ठता वर्सेस आइसोलेशन यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन विलग्नता की बात कब आती है, आप इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कब शो करते हैं, जब आप युवावस्था में होते हैं, तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं ये सिक्स्थ नंबर की स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आत्मीयता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद से सेटल होने की कोशिश कर, अपने फ्रेंड वगैरह अपनी फैमिली को अच्छे से, हम अच्छे से सेटल हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हम लोग पूरे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, ये वाली बात होती है, तो ये युवावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी स्टेजेस हमें ध्यान रहेगी। तो अभी हमसे पूछा गया था कि कौन सी विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है, तो किशोरावस्था में आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन यहाँ पर बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होती है। अभी हमने देखा था कि विश्वास बनाम अविश्वास पहली होती है, दूसरी होती है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की भावना, क्योंकि बच्चा खुद को स्वतंत्र मानता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो गिल्ट का, शेम वर्सेस डाउट जो होता है उसका शिकार यहाँ पर हो जाता है, शेम एंड डाउट का शिकार हो जाता है। तो ये आपका आंसर होगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब कि एक पहल करने की कोशिश करना, ये तीसरी स्टेज हमारी रहती है, ये हमारी दूसरी स्टेज होगी। परिश्रम करने की कोशिश करना, परिश्रम कौन सी स्टेज होगी, फोर्थ नंबर की, जहां पर बच्चा बाल्यावस्था में होगा। और जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन हमारी सेवेंथ नंबर की स्टेज होती है, जहां पर हम लोग अपने अपने आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में किस चीज को प्रोत्साहित किया जाता है, पहला चरण होता है विश्वास बनाम अविश्वास, है ना, दूसरा चरण होता है स्वायत्ता बनाम शर्म यानी कि ऑटोनोमस वर्सेस शेम। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, स्वायत्ता का मतलब होता है बच्चे को स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना मतलब कि वो खुद से कार्य करेगा, वो खुद से कार्य करेगा तो क्या वो खुद से संबंध बनाएगा, मतलब कि अपने परिवार वालों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा कि ये मेरे माता है, ये पिता है, ये मेरे कजिन है, ये मेरे सिबलिंग्स है, इस तरीके से नहीं। क्या वो सहयोग चाहेगा, क्या वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक निकटवर्ती विकास यहाँ पर करेगा क्या, जो कि हमने इसमें बात नहीं करी है एरिक एरिक्सन में। और अन्वेषण करना मतलब कि खुद से खोज करना, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करना, डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर जब स्वतंत्र होता है तो अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरे चरण में किस भावना का प्रोत्साहित किया जाता है, एक्सप्लोर करना, बच्चा अपने आइडिया को यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने, फ्रायड के अनुयायी वही हमने बोला था कि फ्रायड के जाने के बाद एरिक एरिक्सन ने उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के खाली स्थान यानी ब्लैंक दिया हुआ है अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक होती है। आप क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। एथोलॉजिकल हो सकता है, ज्ञान मीमांसी हो सकता है, मनोसामाजिक हो सकता है, या फिर कन्वेंशनल हो सकता है। देखो क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा हो ना तो भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, क्योंकि साइकोसेक्सुअल से कनेक्टेड थे हमारे फ्रायड और उसी को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे एरिक्सन ने किया है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत ही है, उसी अवस्थाओं को बताने की उनके द्वारा कोशिश यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन को भी समझिए, क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने, वही अनुयायी फॉलोअर थे एरिक्सन किसके, सिगमंड फ्रायड के, फ्रायड और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, लिबिडो थ्योरी दी गई थी, ऑइडिपस इलेक्ट्रा ग्लैंड के बारे में बताई गया था, तो उन्हीं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए इन्होंने क्या करा, एक जीवन को आठ स्टेजेस में बांट दिया, ठीक है। जैसे एरिक्सन अपने सिगमंड फ्रायड बांट के गए थे, उसी तरीके से इन्होंने थोड़ा सा और उसको एक्सपांड करते हुए जो मानव जीवन है उसको आठ स्टेजेस में बांट दिया, जो कब से कब तक चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होगा तो भूमिका में भ्रम होगा। अब जो आठ स्टेजेस हमने पढ़ी थी उसमें ऐसी कहाँ पर सिचुएशन बनी थी कि यदि ये कुछ स्थापित नहीं होता है, फिल करके देख लीजिए, यदि आत्मीयता स्थापित नहीं होती है, यदि पहल स्थापित नहीं होती है, यदि परिश्रम स्थापित नहीं होता है, या पहचान स्थापित नहीं होती है, अगर वो स्थापित नहीं होगी तो रोल कंफ्यूजन चला जाएगा,
मतलब रोल कंफ्यूजन कब होता है, भ्रम कब होता है, जब हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पर किशोरावस्था की, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बात करें तो एडोल सेंस स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। तो यदि व्यक्ति पहचान नहीं बना पाया, रोल अपना नहीं निभा पाया, तो वो रोल कंफ्यूजन में यहाँ पर चला जाएगा। पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था, या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी ने आज कंप्लीट कर लिए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये इमेज देखना चाहते हैं जहाँ पर सारी चीजें आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है एज वेल एज इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में साथ में एज वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। देखो अब ये स्टेज पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आपसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वयस्क अवस्था, कोई भी अवस्था यहाँ पर पूछ ली जाए, ठीक है। ये सारी स्टेजेस यहाँ पर आपके सामने दी हुई है। देखो सबसे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम और हम लोग लेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली होती विश्वास बनाम अविश्वास। जब हम छोटे थे सिर्फ हम अपने माता पिता पर ट्रस्ट करते थे, हम खुद को स्वतंत्र मानते थे, हम किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। फिर हमने किसी भी कार्य को करने की स्टार्टिंग करी, हम लोग खुद से कपड़े पहनेंगे, हम लोग डेली रूटीन के कार्य खुद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर हम लोग गिल्ट का शिकार होते थे। फिर हम स्कूल गए, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो सब लोग जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो अच्छे नंबर लाता है, उसकी तारीफ होती है, तो हम लोग भी उसी लालच में चले गए कि हमें भी क्या करना है, अच्छे नंबर लाना है। पर हमारा पर्पस क्या था, हम एक अंदर से लालची हो चुके थे। तो वो आपकी परिश्रम बनाम हीन भावना को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। जब आप किशोरावस्था में आए तो हर टास्क को आप करने की कोशिश करते थे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो ये किशोरावस्था की बात हो गई। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े, जब हम लोग अपनी युवावस्था में आए, तो हम लोगों ने सोचा अब हमें सेटल हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में, आत्मीयता बनाम अलगाव। फिर उत्पादकता बनाम स्थिरता, यानी कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की यहाँ पर बात होगी। फिर थोड़ा सा और यदि हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की हम लोग बात करेंगे। मतलब हम लोग अपनी पूरी लाइफ से सेटल है कि नहीं। लाइक यहाँ पर आप इनका इमेज देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अमिताभ बच्चन है, वो अपनी लाइफ से बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो वो चाहते थे वो सब कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी जीवन के 8वें स्टेज को, खुद को यहाँ पर रखकर देख सकते हैं अपन अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके चलिए अब हम लोग सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।